मैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच चुका हूं कोविड-19 की, तो मुझे यहां पर अंदर जाना है, तो आप भी मेरे साथ आएंगे, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे वैक्सीन लगती है। चलिए, सबसे पहले यहां पर मुझे आईडी कार्ड देकर अपना पिन कोड नंबर लिखवाना है, लेकिन यहां अभी रश है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहां पर बहुत ज़्यादा रश भी है, तो इसीलिए मैं बाहर आके दोबारा से खड़ा हो चुका हूं और वेट कर रहा हूं कि कब मेरी बारी आए। वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन रूम में शायद उन पेशेंट को भेजा जाता है जो बेचारे बीमार हूँ। इन भाई साहब ने मेरा आईडी कार्ड नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है और अब इन्होंने मुझे डाटा एंट्री काउंटर पर भेज दिया है। अरे ये क्या, डाटा एंट्री काउंटर में अंदर तो बैठे हुए हैं सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाय, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। दिस इज सजाद साहब के साथ मैंने ली सेल्फी और वहाँ पर करवाई अपनी एंट्री। अरे ये क्या, मेरे से पहले तो एक भाई साहब अंकल अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए बेताब हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब मेरी बारी आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन तो करवानी है, तो चलिए अब मेरी वैक्सीनेशन होने लगी है। ये जुल्म है कि कोई फीमेल नर्स नहीं बल्कि मेल नर्स वैक्सीनेशन करने लगा है। चलिए एनी हो, अब करवानी तो है, अब मेरी वैक्सीनेशन फाइनली होने लगी है। ओह माय गॉड, उसने जानी बेनियाजी से मेरी नाजुक कलाई के ऊपर अपनी जो वैक्सीनेशन की सिरिंज थी वो ठोक दी है। ओह माय गॉड, शुक्र है मैं जिंदा सलामत बच गया। वैक्सीनेशन करवा ली है मैंने और अब मैं यहाँ से निकल खड़ा हुआ हूँ, तो आप भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवा लें और यहाँ से निकल खड़े हुए। अली आ जाओ, वैक्सीनेशन कोविड-19 की आप भी जल्दी से अपनी वैक्सीनेशन करवा लें और यहाँ से निकल खड़े हुए। अल्लाह हाफिज़।